वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। हैप्पी गणेश चतुर्थी। हाँ भाई, हैप्पी गणेश चतुर्थी आप सभी को, और भगवान गणेश जी की कृपा आप सब पर बने रहे। दूसरी बार है कि गणेश चतुर्थी के मौके पर हम लोग मुंबई में हैं, मतलब महाराष्ट्र में, और यहाँ की गणेश चतुर्थी तो आप ही जानते हैं कि क्या ही रहने वाली है। आज के दिन से ये बहुत जोरों से आज के दिन से गणेशोत्सव प्रारंभ होता है। पहला दिन जिसमें गणेश जी की स्थापना की जाती है, आरती की जाती है और बहुत सारी चीजें होती है, और ये 7-8 दिन तक चलता है। फिर गणेश जी का विसर्जन होता है। तो आज पहला दिन है और हमने भी यहाँ पर गणेश जी की पूजा की है, अर्चना की है, और अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर। सुबह गणेश जी का यहाँ पे मोदक बहुत चलते हैं, जो कि राजस्थान में बहुत कम मिलते हैं। यहाँ पे मोदक ही मोदक। हाँ, मोदक अपने वहाँ पर गणेश जी के जितने भी बड़े मंदिर है वहाँ पे आपको मोती चूर के लड्डू मिलेंगे, चाहे वो रणथंबोर हो, चाहे जयपुर की गणेश डूंगरी हो, या फिर कुचामन में हो। बहुत सारे बड़े बड़े गणेश जी के जितने भी मंदिर है वहाँ पर सब पे मोती चूर के लड्डू। लेकिन मुंबई में या फिर महाराष्ट्र का कह लूं, यहाँ पे मोदक चलते हैं, और मोदक जो है वो दूध की मलाई से बनता है ऐसा कहा जाता है, और हम भी लेकर आए हैं। उसमें पेड़े वाला टेस्ट तो नहीं आया सही बताएं तो, लेकिन नहीं मलाई का आता है ना थोड़ा सा वो है। हाँ, और उसमें भी फिर अलग अलग कलर और अलग अलग शेप के, छोटी साइज बड़ी साइज उस तरीके से लेकर आते हैं ये लोग। और मतलब ऐसा, और ये सबसे बढ़िया चीज बताऊं क्या है कि महाराष्ट्र में जितनी भी मिठाई की दुकान है उनमें मोस्टली आपको जोधपुर, पाली, जालोर इस साइड के लोग मिलेंगे। तो यहाँ पर फिर जब आप लेने जाते तो पूछ भी लेते हैं कि राजस्थान से हो, हमारी आवाज से हमें पहचान जाते हो। हाँ, थोड़ी सी हमारी आवाज, थोड़ा सा फेस कट, और जब हम आपस में बात कर रहे होते हैं तो वो पता चल जाता है। लेकिन एक राज की बात बता रहा हूँ कि चाहे राजस्थानी कहीं पर भी चले जाए, उसको कोई भी राजस्थानी मिल जाए कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है। हमने ट्राई की और इसी चक्कर में पता है यहाँ पे जितने भी काम कर रहे हैं ना उनके कोठी बंगले हैं भाई, वो पुणे सुपरस्टार जो कहता है उन्होंने सबने बढ़िया कर रखे हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर थोड़ा, और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि यहाँ पे अलग अलग कॉलोनियों में और जितनी भी छोटी छोटी जगह है, जो छोटे छोटे गांव टाइप से अवार्ड कर लीजिए, वहां पर भी गणेश जी की स्थापना की जाती है और जोरों शोरों से मनाया जाता है। तो अभी हम लोग हमारे आसपास में जहाँ पर गणेश जी की स्थापना हो रखी है, जिन्होंने मंडप सजा रखे हैं, वहां जाएंगे और प्रार्थना करेंगे भगवान से, दर्शन करेंगे, बाबू को भी दर्शन करवाएंगे और बाबू की माँ को भी। हाँ, क्या हुआ, आपको भी करना है? और हम तीनों पहली बार इस पोजीशन में बैठे हैं, और बढ़िया चीज है कि जितने दिन बैठे हैं बैठा रहा ये बढ़िया है। नहीं, इसको आजकल वो वीडियो लाइक वाला चल रहा है, तो मैं कुछ भी यूट्यूब पे देखती हूँ जाके पहले वीडियो लाइक, तो आप भी हमारा वीडियो लाइक कर देना। नहीं, बाबू तो कर ही देगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बोल दो यार, नहीं बोलना है, हो गया बस। बाबू उसे को बाबू कैसे देख रहे हैं? बाबू पूजा कर रहे थे। बाय बाय। सो ये था हमारा छोटा सा व्लॉग, और कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग रेगुलर वीडियोस बना सकें और अपलोड कर सकें, लेकिन थोड़ी सी चीजें टाइम की वजह से नहीं हो पा रही है। बट फिर भी हमने, हमारी साहिबा आजकल प्रयास कर रही है कि वो एडिटिंग भी खुद करे, खुद ही वॉइस ओवर दे और ये सब। सो पार्ट वन को यहीं पे पूरा करते हैं, और पार्ट टू में हम आपको बताएंगे कि मुंबई में किस तरीके के आयोजन हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर गणेश उत्सव दिवाली से भी बड़ा मनाया जाता है।
सो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जय हिंद।